हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। हमारी मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आई एम अनीता। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपके बालों में बहुत ही डेंड्रफ है, चमक नहीं है, बहुत ही रफ बाल हैं आपके, तो आप घर की चीजों के साथ कैसे उनको बहुत ही सुंदर, शाइन वाला और बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लेने वाले हैं वो है हमारा, सबसे पहले जो हमारी येलो मेथी आती है ना, मेथी दाना जिसको बोलते हैं, वो हमारे बालों के लिए बहुत 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 अच्छी होती है। वो आपके बालों में एक अलग ही चमक लेके आती है। तो ये मैंने मेथी को पीस के रखा है, तो ये मैं ले रही हूं एक और ये दो चम्मच भर के। ओके, उसके बाद ये है, जब आप तुलसी को सुखा लेते हो, क्योंकि अगर फ्रेश होगी तो वो वेट हो जाएगा, तो जब आप उसको सुखाओगे तो आप देखना कि आपको उसको छाया में सुखाना है। धूप में सुखाने से वो जल्दी सूख जाएगी, लेकिन उसकी जितनी भी अच्छी उसमें चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो तुलसी को सुखाना है, उसके बाद ये पाउडर बन जाता है उसका। तो ये भी मैं ले रही हूं दो चम्मच। तुलसी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे, जो लोग कहते हैं ना हमें डेंड्रफ हो जाता है या हमारी स्कैल्प में ये प्रॉब्लम है या वो है, तो वो सब नहीं होता है, तो उसके लिए है। इसके बाद अब मैं ले रही हूं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपको मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि कड़ी पत्ता हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है, तो क्योंकि आज हम अपना सारा ड्राई पाउडर्स ले रहे हैं, तो एक कड़ी पत्ते को भी आपको छाया में ड्राई करना है, फिर उसको पीस के ही पाउडर बनाना है। तो ये भी मैं ले रही हूं दो चम्मच। इसके बाद जो बहुत प्यारा सा एक कलर देता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, बीटरूट। अगर आप जब फ्रेश बनाते हो तो आप ये सारी चीजें फ्रेश में लेके मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो। मैंने सब चीजों को ड्राई करके इनको रेडी किया पाउडर को। ये है बीटरूट पाउडर, जो कि जब आप फिर वॉश करते हो उसके बाद एक बहुत ही प्यारा आपके बालों में अलग सा कलर आता है। तो ये भी मैं ले रही हूं दो चम्मच। चलिए, दो ही है। इसके बाद ये है मेरी कॉफी, आपके पास जो भी कॉफी आप ले सकते हैं, मेरे पास नेस्कैफे है, तो ये भी मैं ले रही हूं दो चम्मच। इन सबके साथ ये सारी चीजें हो गई, और इसमें आपको ऐड करना है मेहंदी, हिना, जो कि आप जो भी ब्रांड का यूज करते हो। जिन लोगों के पास मेरा ये ग्रे हेयर वाला पैक है, तो जो नंबर वन आप लोगों के पास आता है, इसमें खाली हिना नहीं, हिना के साथ और भी बहुत सारी चीजें, तो आप ये हिना इसमें से यूज करेंगे। जिनके पास ये नहीं है वो प्योर हिना यूज कर लेंगे। तो मैं इसमें से ले रही हूं हिना। आप लेंगे अपने बालों के अकॉर्डिंग, मैं इसमें ले रही हूं चार चम्मच। अब जिन लोगों ने ये नरिशमेंट पैक लिया हुआ है, उनको मेथी दाना, कड़ी पत्ता, तुलसी या जो भी मैं चीजें डालूंगी वो कुछ नहीं डालना, तो आप लोगों को डालना था, अगर चार चम्मच ये ले रहे हो तो उसमें दो चम्मच नंबर वन, मतलब आपका मेहंदी का भी काम हो जाएगा, और जितनी हर्ब्स मैं दिखा रही हूं आपको, तुलसी, मेथी या चुकंदर, सब कुछ इसमें है, बीटरूट वगैरह सब कुछ है, तो आपको कुछ नहीं डालना, आपको ये पैक लेना है प्लस नंबर वन लेना है। उसके अंदर आपको डालना है कर्ड। कर्ड आप लोगों जो लोगे वो लोगे अपने पैक के अनुसार, जितनी भी आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग लोगे। अब अगर आपके पास सफिशिएंट कर्ड है तो आप वही लो लोगे, और अगर आपके पास कर्ड की कुछ कमी है या नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल पानी डाल सकते हो। ठीक है, मैं इसमें कर्ड ही डाल रही हूं, एक सेकेंड। ये इतना सुंदर कलर देगा, तो जो लोग भी नंबर वन यूज करने वाले हैं, या जैसे कि मैं कहती हूँ आपको नरिशमेंट पैक और नंबर वन आप मिक्स करके यूज कर सकते हो, तो जितनी भी हेल्दी चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ आप उन सब के साथ अपने पैक को मिक्स कर सकते हो, भले वो कर्ड होता है, भले वो ऑयल होता है, मैं इतनी चीजें बताती रहती हूँ, तो आप सब लोग वो चीजें ऐड कर सकते हो। तो जिसको बोलना चाहिए सोने पे सुहागा, आपके पैक में वो चीजें आ जाती हैं।
तो आपको अलग से कुछ नहीं डालना, आपको नंबर वन एंड नरिशमेंट पैक मिक्स करना है बस। इसको हम थोड़ा सा और हेल्दी बनाएंगे। वो हमें क्या करना है, अगर आप लोग ये देख पा रहे हो तो ये है मेरे चावल जो कि मैंने भिगोए थे सुबह, ठीक है। तो आपका सुबह मीन्स आपके 3 से 4 घंटे के भीगे हुए चावल हो। अगर आपको शाम को डिनर के लिए बनाने तो आप दोपहर के बाद भिगो सकते हो, अगर आपने सुबह बनाने हैं तो आप रात को भिगो सकते हो। मीन्स 3 से 4 घंटे का भीगा हुआ हो, धुले हुए चावल होने चाहिए। अब ये जो आप एक पानी देख रहे हो जो कि एक थोड़ा सा मिल्की वाटर सा हो जाता है, ये आपके बालों के लिए रामबाण है, ठीक है। इसको हम और किस किस तरह तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ये जो मेरा वाटरी पानी आ गया है मिल्की जैसा, मैं वो पानी इसमें ऐड करूंगी। ये जो आपका पैक तैयार होगा, बिलीव मी, जो लोग कहते हैं मेरे बाल झड़ रहे हैं, जो लोग कहते हैं मेरे बालों पे अच्छा कलर नहीं आता, जो कहते हैं मेरे बहुत ड्राई है, फ्रिजीनेस है, या रूट से बहुत वीक है, या डेंड्रफ है, मतलब अगर आप इसमें नीम, जिन लोगों के पास अलग से नहीं है ये वाला नरिशमेंट पैक नहीं है, वो नीम रेगुलर पानी में, अगर आपके पास कोई पैक वगैरह नहीं है, आप नीम को लो और उसको बॉईल करो पानी में, और उस पानी को आप रोज सिर धोने में यूज करो बिना नागा। आप चाहो तो फ्रेश नीम लेके और उसको पानी में बॉईल करके पेस्ट बना के उसको अपने बालों में लगाया करो, डैंड्रफ के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, जो भी अगर आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम हो उनके लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और पतला करूंगी, हमेशा बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालना नहीं तो उसमें लंग्स आ जाएंगे। तो जब ये पैक आपका रेडी हो गया तब आप इसको पूरी रूट से लेके पूरा जूड़ा बनाएंगे अपने बालों का, और फिर उसके बाद खुले पानी से धोएंगे, 2 से 3 घंटे रहने दीजिए, बहुत हेल्दी चीजें हैं इसमें। तो धोने के बाद आप फिर हल्का सा कंडीशनर करेंगे, और अगर आप ग्रे बालों के लिए कर रहे हैं तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अदरवाइज बस आपने धोया, कंडीशनर करा और उसके बाद खूब अच्छे से ऑयल, जो भी आप यूज करते हैं, ये आपके पास ये ऑयल है तो इसको गर्म करके यूज करेंगे, उसके नेक्स्ट डे आप लोग शैम्पू करेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी पैक लगा के तुरंत शैम्पू नहीं करना चाहिए, जितनी भी हेल्दी चीजें आपने यूज की हैं वो तुरंत निकल जाती हैं। ये पैक आपके बालों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी रखेगा आपके बालों को, जरूर यूज कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा आपका हेयर फॉल कैसा रहा, आपका डैंड्रफ कैसा रहा, और आपको कितना फायदा किया। थैंक यू।